हमीरपुर के डिग्री कॉलेज खेल मैदान में 6 दिन तक चल रही हीरो नॉर्थ जोन सब जूनियर क्वालिफायर सब जूनियर फुटबॉल चैंपियनशिप मुकाबलों में हरियाणा और पंजाब की टीमें अपने अपने ग्रुप में टॉप पर रही हैं। चैंपियनशिप के अंतिम दिन सुबह दिल्ली और उत्तराखंड के बीच मैच खेला गया, जिसमें दिल्ली टीम विजेता बनी। समापन अवसर पर प्रदेश भाजपा के सह मीडिया प्रभारी नरेंद्र अत्री बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। हमीरपुर के डिग्री कॉलेज खेल मैदान में 6 दिन तक चल रही हीरो नॉर्थ जोन सब जूनियर क्वालिफायर सब जूनियर फुटबॉल चैंपियनशिप मुकाबलों में हरियाणा और पंजाब की टीमें अपने अपने ग्रुप में टॉप कर रही हैं। ग्रुप ए से हरियाणा ने अपने सभी तीनों मैच जीतकर सबसे अधिक 9 अंक प्राप्त कर सेकंड राउंड में प्रवेश कर लिया है। इसी तरह ग्रुप बी से पंजाब ने दोनों मैच जीतकर 6 अंक प्राप्त कर अगले राउंड में प्रवेश कर लिया है। चैंपियनशिप के अंतिम दिन सुबह दिल्ली और उत्तराखंड के बीच मैच खेला गया, जिसमें दिल्ली टीम विजेता बनी। समापन अवसर पर प्रदेश भाजपा के सह मीडिया प्रभारी नरेंद्र अत्री बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। समापन अवसर पर पहुंचे प्रदेश भाजपा सह मीडिया प्रभारी नरेंद्र अत्री ने कहा कि युवा खेलेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने हीरो नॉर्थ जोन सब जूनियर फुटबॉल चैंपियनशिप के सफल आयोजन के लिए हिमाचल प्रदेश फुटबॉल संघ तथा जिला फुटबॉल संघ के सभी पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस चैंपियनशिप को सफल बनाने के लिए सभी लोगों ने एकजुटता से कार्य करने में कामयाब बनाया है। इस मौके पर प्रदेश संघ के कोषाध्यक्ष नरेश राणा, मोहम्मद इकराम, जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह ठाकुर, महासचिव संजीव जम्बाल, संदीप कुमार, संजीव कुमार, नरेश ठाकुर, अंकित मोदी, राम ठाकुर, कई खेल प्रेमी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में अंडर 14 चैंपियनशिप में उत्तर भारत की 7 टीमों ने हिस्सा लिया और 2 ग्रुप में बांटी। इन टीमों में से जम्मू कश्मीर 8वीं टीम नहीं पहुंच पाई। ग्रुप ए में मेजबान हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ शामिल रही, जबकि ग्रुप बी में उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब रही। हर टीम में 20 खिलाड़ी तथा उनके 2 ऑफिशियल शामिल रहे। 6 दिन से यहाँ नेशनल सब जूनियर फुटबॉल चैंपियनशिप 2019-20 क्वालिफाइंग राउंड नॉर्थ जोन के मैचेस चल रहे थे, जिसमें उत्तर भारत की 7 टीमों ने भाग लिया। बहुत शानदार प्रयास हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन का जिला हमीरपुर फुटबॉल संघ के साथ मिलकर ये रहा है। बहुत शानदार प्रदर्शन खिलाड़ियों ने किया और जिस तरह का प्रबंधन हमीरपुर फुटबॉल एसोसिएशन ने प्रदेश फुटबॉल संघ ने दिखाया है, निश्चित तौर पर वो इस बात का प्रमाण है कि आने वाले समय में इस तरह के और बड़े आयोजन होंगे। और जिस तरह पिछले दिनों में देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया मूवमेंट की बात करी, भारत को फिट करने की बात करी, तो मेरा पूरा विश्वास है कि यही खेल संघ, यही खिलाड़ी मिलकर फिट इंडिया के एम्बेसडर बनेंगे और भारत को फिट करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। जहां एक तरफ भारत का सम्मान खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाएंगे, वहीं साथ साथ अपने देशवासी फिट हों, भारत फिट हो, इस बात की भी चिंता करते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे।